इस एपिसोड में हम देखते हैं कि द्रोही का प्रपोजल गुवोन ठुकरा देता है और बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर द्रोही जो है शर्मिंदा हो जाती है और जो है वो फ्यूनरल छोड़ के चली जाती है। जो सुखोन है वो आता है उसे सांत्वना देने के लिए, फिर जो है द्रोही चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सारी फैमिली होती है मैडम जू की, वो उनको कोस रही होती है कि कैसे उन्हें हमारा ध्यान नहीं आया बिल बनाते हुए। दूसरी तरफ द्रोही जो है गुवोन को बोलती है भूल जाओ सब कुछ, जो भी मैंने तुम्हें कहा था वो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो गुवोन उसे बोलता है नहीं तुमने मुझे प्रपोज किया था। तो वो उसे बोलती है थोड़ा गाने चलाओ, लेकिन गाने भी सारे मैरिज वाले चल रहे होते हैं। इसी बीच द्रोही सो जाती है और गुवोन को जो है मैडम जू का लेटर कार में मिलता है। वो उसे वापस करने आता है, लेकिन जो है द्रोही जो है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तो वो सोचता है मेरे यहाँ से जाने में ही भलाई है, कहीं ये मुझे मार ना दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुखोन जो है द्रोही के घर पर आया होता है, वह मैडम जू के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो गुवोन के बारे में जो है सुखोन उससे पूछता है, तो वह उसे बताती है कि वो बस और कुछ नहीं, उसने मुझे बहुत बार बचाया था। दूसरी तरफ जो है गुवोन जो अपने दोस्त से बात करता है कि द्रोही ने मुझे प्रपोज किया था, तो जो उसका दोस्त बोलता है तो बिल्कुल फिल्म की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुखोन जो है द्रोही से बात कर रहा होता है मीटिंग के बारे में। द्रोही का फ़ोन आता है गुवोन को और जो है डिमोन जो है उसके मिलने जाता है। द्रोही उसे बताती है कि कैसे जो है अफवाहें फैल चुकी है कि तुमने मुझे ठुकरा दिया है। फिर वह जो है बात करती है, तो डिमोन उसे दोबारा से बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दोनों आपस में बात करते हैं, तो द्रोही बोलती है कि खुशी की उसके ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वह काम इसलिए करती है क्योंकि वह उसकी हैबिट बन चुकी है, पर वह खुश नहीं है इस काम से। तो फिर हम देखते हैं कि जो है द्रोही सो जाती है, डिमोन जो है सारे हॉर्न रोक देता है उसके सोने के लिए और जो है वह जो है गाड़ी पार्क कर देता है। और जो है फिर जो है हम देखते हैं कि उसको वही लेटर जो है याद आता है, तो वह लेटर उसके बैग में डाल देती है। द्रोही वो लेटर पढ़ती है और जो है उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। हम देखते हैं कि जो द्रोही है वो गुवोन का नंबर जो है मैनेजर से सेव कर देती है। और जो है फिर हम देखते हैं कि सोते हुए जो है गुवोन को अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद आने लग जाता है। हम देखते हैं गुवोन जो है अपने साथी को उस बारे में बताता है, तो साथी बोलता है कि तुम्हारी सारी पावर चली गई, तुम एक ह्यूमन बन चुके हो और अब तुम बूढ़े भी हो जाओगे। तो वह द्रोही से बोलता है मुझे अपना हाथ दो, मुझे चार्ज करना है अपने आप को। वह उससे चार्जिंग के लिए हाथ मांगता है, तभी हम देखते हैं जो है भिखारी बोलती है इनका टाइम जो है ज़्यादा नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह द्रोही के पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे चार्जिंग करनी होती है। द्रोही उसे चार्जिंग करने के लिए मान जाती है, पर वो बोलती है कि तुम्हें जो है मेरे साथ मिलकर मेरे उस कल्प्रिट को पकड़ना होगा जिसने मुझ पर हमला किया था। और वह बोलती है कि कल्प्रिट को पकड़ने के बाद हमले वाले को और साथ में जो है जिसने मैडम जू की हत्या की हमें उसे पकड़ना है। तो जो है वो मान जाता है सुखोन। वह दोनों जो है वहाँ पर जो है अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो है सेक्रेटरी रूम में आ रही है, तो दोनों गायब होकर किसी और रूम में जा चुके होते हैं, एक स्टोर रूम जैसा होता है। बाहर जो है कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि हमें लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो जो है वो ऐसी बात कर रहे होते हैं, तो अंदर जो है हमें एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है दोनों के बीच। दूसरी तरफ जब कलीग्स जो है रूम के अंदर आने ही वाले होते हैं, तो वह जो है अपनी पावर का यूज़ करके बाहर चले जाते हैं। फिर जो है हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है मैडम जू का दिखाया जाता है कि मैडम जू को किसी ने दवाई बदल कर मारने की कोशिश की थी। सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है गुवोन को चीयर करने के लिए पार्टी रखते हैं, तो उस पार्टी में द्रोही भी आती है। गुवोन को चार्जिंग चाहिए होती है, तो वह नीचे से द्रोही का हाथ पकड़ लेता है। इस पर जो है फीमेल एम्प्लॉय उन्हें देख लेती है और कुछ बातें बनाने लग जाती है। द्रोही गुस्सा होकर चली जाती है, तो हम देखते हैं डिमोन को मारने के लिए जो है उसके दुश्मन आ जाते हैं, एक जिन गैंग के लीडर को डिमोन ने मारा था अपनी शक्तियों से। तो जो है द्रोही फिर उसे वहाँ पर बचाने आती है क्योंकि डिमोन के पास कोई ताकत नहीं है द्रोही के बिना। द्रोही आती है और बोलती है मैं अपने बॉडीगार्ड की बॉडीगार्ड हूँ। वह उसे बचाने के लिए आती है, तो हम देखते हैं कि डिमोन उसका हाथ पकड़ता है। अचानक से जो है लाइट चली जाती है, फिर आ जाती है और जो है डिमोन जो है उसके पास शक्तियां आ जाती है। वह उससे बोलता है कि टैंगो करोगी, तो टैंगो करते करते जो है सभी को मार देता है और जो है अपने जो है दुश्मनों को भगा देता है। फिर जो है डिमोन को लगता है कि उसे द्रोही के बारे में कुछ फील होने लगे हैं, वो वहाँ से चला जाता है। और द्रोही सोचती है सही पता नहीं क्या हो गया। द्रोही जो है फटाफट से जो है सोच रही होती इसी बारे में, तो हम देखते हैं डिमोन को कुछ लगता है कि वह सोचता है नहीं ये शायद मेरी शक्तियों के ना होने की वजह से हो रहा है। तो द्रोही जो है डिमोन से मिलने के लिए उसके घर ही चली जाती है। वह वहाँ पर देखती है कि जो है उसका सामना मिस जिन से होता है। मिस जिन उसे अंदर नहीं जाने दे रही होती, पर वह चली जाती है। वह देखती है वहाँ बहुत सारी घड़ियाँ हैं। वह डिमोन को देखती है और वह देखती है कि उसने क्रॉस पहन रखा है। पर डिमोन उसे जो है बोलता है कि तुम क्या बदतमीज हो जो तुम इधर देख रही हो। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो है जो मैडम जू का साइकोपैथ जो बेटा है, वो एक साइकेट्री मतलब से बीमारी है कुछ दिमाग की,
वो अपने डॉक्टर को ही मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही किडनैपर जो है इनका रिकॉर्डिंग बना रहा होता था। जब ये लोग टैंगो कर रहे थे तो उस किडनैपर ने इनकी रिकॉर्डिंग बनाई थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डोही जो है आती है, तो वहाँ पर ऑफिस में कोई जो हेलमेट पहन कर आया होता है, तो डोही की रक्षा करने के लिए गुवन वहाँ आ जाता है। पता चलता है वह तो गुवन का साथी है, लेकिन वहाँ पर वही जो है हत्यारा भी आया होता है, क्योंकि उसके गले पर जो है खून का निशान होता है, वह भेस बदल कर आया होता है। लेकिन डोही बच जाती है इस बार, क्योंकि गलती से जो है गुवन के साथ वाला वहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं फैमिली मीटिंग चलती है और सभी जो रोही को कुछ कुछ सुना रहे होते हैं। तो जो सुखोन है वो डोही का साथ देता है। सुखोन और डोही आपस में मीटिंग की बात कर रहे होते हैं, तो डेमोन को बहुत जलन होने लग जाती है। वह सोचता है पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर हम देखते हैं कि दोनों जो है मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद गुवोन जो है डोही के साथ कहीं जाता है, तो डोही जो है अपनी पुरानी डेट से मिलने जाती है और उससे बात करने लग जाती है और बोलती है कि हम जल्द ही शादी करेंगे। तो जो गुवोन है वो अपनी ताकत का यूज़ करके उसी डेट के मुँह पर लॉबस्टर से कटवा देता है और जो है उसका मुँह सुजा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह उसके जलन का नतीजा होता है। डोही बोलती है चलो फिर हम 2 घंटे में शादी कर रहे हैं, और जो है अपनी सेक्रेटरी को बोलती है मेरी ब्राइडल ड्रेस तैयार रखो। इसी बात पे डेमोन चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही गैंग वाले बैठे होते हैं बुरी हालत में, जिनको जो है डेमोन ने मारा था। डेमोन वहाँ पर डोही को लेकर आ जाता है और अपना बदला पूरा करने लगता है अपनी पावर्स से। लेकिन जो है डोही को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो डेमोन इसी बात पर डोही को बोलता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा पूरा सिस्टम खराब कर दिया है और जो है मेरा पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। डोही को बहुत गुस्सा आता है, डोही से जाने को बोलती है, डोही रोने लग जाती है। तो उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डोही जो है घर जा रही होती है, तो घर में उसे जो है कुछ किसी और के होने का एहसास होता है। वह तुरंत जो है गुवोन को मैसेज कर देती है। गुवोन दौड़ा दौड़ा जो है जिम की परफॉर्मेंस से भागता है। तो हम देखते हैं कि डोही को एक इंसान ने लटका दिया होता है जो है ऊपर बालकनी से, और जो है वह उसे नीचे काट गिरा रहा होता है। तभी डेमोन जो अपनी ताकत बिना यूज़ करे उसे बचा लेता है। फिर वह ताकत से जो है चले जाते हैं दूसरी जगह पर, तो वह जो है डोही को गले लगा लेता है। सुखोन ये सब देख रहा होता है। के बाद सुखोन डोही और जो है गुवोन तीनों मिलकर जो है इस बारे में बात करने लग जाते हैं। सुखोन को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ जो है गुवोन और डोही के बीच में ही है। लेकिन वह थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाते हैं कि उसके ड्राइवर के पीछे जो है कट्टे का निशान था, और जो इंसान आ जाया था उसके पीछे भी कट्टे का इंसान था। इन तीनों को पता चल जाता है कि वह एक मास्क मैन है। तो जो है वह गुवोन को पूछता है सुखोन की क्या चल रहा है, तो वह जो है डोही से बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। गुवोन और सुखोन दोनों ही इस बात पर जो है डोही को बोलते हैं तुम मन से शादी कर लो। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में जो है सुखोन आता है और गुवोन बहुत चिढ़ता है, क्योंकि सुखोन और डोही आपस में बैठ कर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो इसी बात पर डेमोन को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि सुखोन जो है डेमोन को कुछ बोलने लग जाता है कि तुम डोही को बिल्कुल परेशान मत करो और उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। इसके बाद हम देखते हैं डोही एक इवेंट में जाती है, जहाँ पर जो उसका भाई होता है वो अपने आप को चेयरमैन बता रहा होता है। लेकिन डोही बोलती है अब तुम चेयरमैन नहीं बनोगे, क्योंकि मैं कल शादी करने वाली हूँ और मेरी शादी करते ही चेयरमैन जो है कंपनी की मैं हो जाऊँगी। इसी पर हम देखते हैं कि डोही को हम वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। वह मैडम जू को याद कर रही होती है और दिमाग में ही उनसे बात कर रही होती है। वह रो रही होती है, और इसी बीच जो है सेक्रेटरी वहाँ उसकी आ जाती है, उसे रोता हुआ देख लेती है। हम देखते हैं कि डोही जो है ब्राइडल ड्रेस में तैयार होकर जो है आयल से आ ही रही होती है, कि हम पाते हैं कि जो डेमोन यानी गुवोन जो है उसका जो है ब्राइड ग्रूम जो है हम देखते हैं गुवोन को। तो गुवोन जो है ब्राइड ग्रूम होगा और डोही जो है दोनों की अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है उन्होंने जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कुछ शर्तों के मुताबिक। फिर हम देखते हैं दोनों जो है फोटोशूट करते हैं, और एक फेक किस हमें दोनों के बीच में देखने को मिलता है मीडिया वालों की वजह से। यह सब होते हुए जो है सुखोन देख रहा होता है। सुखोन डोही को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी उससे नहीं हो पाई। डेमोन की शादी जो डोही के साथ हो जाती है, वो जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है असलियत में। फिर हम देखते हैं कि गुवोन जो है फेक किस होने के बाद जो है जाता है, तो वह पाता है कि सुखोन और डोही आपस में बात कर रहे हैं। सुखोन उसे बधाई देता है और बोलता है मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली बना रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। फिर जो है दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस जिन बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे मैरिज के बारे में पता चलता है। फिर जो हम देखते हैं डेमोन का फिंगरप्रिंट जो है डोही अपने घर पर रजिस्टर कर लेती है, और फिर जो है डोही की मदद से जो है डेमोन उसका पूरा घर साफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सुखोन दूसरी तरफ
वर फाउंडेशन जिसमें जो है डेमोन काम करता है, जो डेमोन की ही है मतलब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करता है। फिर हम देखते हैं कि शादी के पहले दिन ही ये दोनों जो है अलग अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों जो है कुछ सोचने लग जाते हैं और डेमोन को अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद आने लग जाता है। उसे एक लड़की दिखती है लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाता। वह उठता है तो दोनों के दोनों जो है उसके जो है साइकोपैथ भाई को पे शक करते हैं और उसको उसकी तहकीकात करने के लिए जाते हैं। दोनों टेलीपोर्ट करते हैं और जहाँ जहाँ उसका भाई जा रहा होता है वहाँ जाते हैं, तो वह एक बूथ में पहुँच जाते हैं, फोटो बूथ में, और वो जो है अपने भाई पे निगरानी कर रही होती है। फिर हम देखते हैं उसका भाई शायद उन्हें पकड़ लेता है। अब देखते हैं आगे वाले एपिसोड में क्या वो उन्हें पकड़ पाएगा या नहीं।